हरियाणा में नई सरकार ने कमान संभाल ली और कमान संभालने के कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया कि रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील की जांच होगी। हरियाणा सरकार जांच कमेटी बनाने के मूड में साफ दिखाई दे रही है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं संकेत पहले से मिल रहे थे और अब कमान संभालने के चंद मिनटों के भीतर खट्टर सरकार ने साफ भी कर दिया कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा की नई सरकार बाकायदा कमेटी बनाएगी और पूरे मामले की जांच कराएगी। हम हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में जमीन के घोटाले के जितने भी मामले हैं, एक एक मामले की, एक एक इंच की हम सूक्ष्मता से गहनता से जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की उदाहरण के रूप में कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई हरियाणा में इस प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार करने की हिम्मत और हिमाकत न कर सके। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। विकास में जो भेदभाव हुआ है उसको दूर करना हमारी प्राथमिकता है। हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिले वो हमारी प्राथमिकता है। और जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लैंड का सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो 70,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके बोले वाले किसानों की उसके मुनाफे कमा के लोगों को बांटी गई है, उस एक एक इंच जमीन की हम जांच कराएंगे। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले में फंसे। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने गुड़गांव के पास जमीन खरीदी थी जिसमें कई नियमों के उल्लंघन का आरोप है। आरोप ये भी है कि लैंड डील में हरियाणा के तत्कालीन सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रॉबर्ट की भरपूर मदद की। अक्टूबर 2012 में हरियाणा के सीनियर आईएएस और तत्कालीन चकबंदी महानिदेशक अशोक खेमका ने वाड्रा की लैंड डील पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद तत्कालीन सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जांच बैठा दी। जांच कमेटी ने मार्च 2013 में वाड्रा के जमीन सौदे को क्लीन चिट दे दी। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा की तत्कालीन भूपिंदर हुड्डा सरकार ने वाड्रा की जमीन सौदेबाजी पर कानूनी मुहर भी लगा दी। कार्यकाल खत्म होने से पहले हुड्डा ने जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदेबाजी को मंजूरी दी, सियासी भूचाल आ गया। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वाड्रा केस को मुद्दा बनाया और जमकर तत्कालीन हुड्डा सरकार पर निशाना साधा। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, माँ बेटे का ये मॉडल है, माँ बेटे का ये कारोबार है। भूजी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी ने निशाना साधा तो हुड्डा ने जवाब भी दिया था, कहा था अगर आरोप सही साबित हुए तो बिना वक्त गंवाए कुर्सी छोड़ देंगे। हालांकि हुड्डा के कुर्सी छोड़ने की नौबत नहीं आई, जनता ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी को सूबे की कमान थमा दी। अब एक बार फिर वाड्रा का जिन्न बोतल से बाहर आया है तो सियासत भी गर्म होगी। ये बयान घमंड से भरा हुआ बयान। कानून हमेशा अपना काम करता है, लेकिन बदले की भावना से उठाए गए कदम उन्हीं के लिए नुकसानदेह होते हैं। मैं सिर्फ इतना मशवरा दूंगा, पाकिस्तानी लीडर्स को फॉलो मत करो, हिंदुस्तान को पाकिस्तान मत बनाओ, कोई काम बदले की भावना से मत करो। बहरहाल नई सरकार है, नई बयार है, नया अंदाज है, नए इरादे भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि वाड्रा केस की जांच सिर्फ सियासत के लिए होती है या फिर सच सामने लाने के लिए। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।